ग्रीटिंग कार्ड्स देना और उससे भी ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स लेना हम सभी को बेहद पसंद होता है। और दिवाली के अवसर पर तो अक्सर ही हम ग्रीटिंग कार्ड से एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। नमस्कार, मैं आस्था जैन CCL की T20 सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम एक अनोखे ढंग का ग्रीटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे और फिर उसके पीछे की गणित को भी समझेंगे। ये है मेरा ग्रीटिंग कार्ड वाला डब्बा। इसमें कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जिनमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। इन अक्षरों से इस मैसेज को समझने के लिए चलिए इसे अरेंज करते हैं। तो इन कार्ड्स को अरेंज करने के लिए हम पहले ये स्टिक पहले छेद में डालेंगे और फिर जो कार्ड अटके उनको हम आगे लगा देंगे। अब इसी तरह से हम स्टिक को दूसरे छेद में डालेंगे और जो कार्ड अटकेंगे उनको आगे लगा देंगे। अब ऐसे ही तीसरे छेद में और फिर लास्ट चौथे छेद में और मिल गया हमें हमारा मैसेज, हैप्पी दिवाली 2023। तो ये कार्ड बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए और प्रिंट कराकर मोटे कागज पर चिपका लीजिए। अब मोटे कागज पर चिपकाने के बाद आप इन कार्ड्स को काट लीजिए और जहाँ पर गोल है वहाँ पर गोल पंच कर लीजिए और जहाँ पर यू है वहाँ पर यू काट लीजिए। अभी कार्ड्स तो बन गए, अभी देखते हैं कि ये मैसेज को देखने का तरीका काम कैसे करता है। तो हम आम तौर पर जब कोई भी नंबर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है या कि उसका बेस 10 है। इसका मतलब क्या है? लेट्स से कोई भी नंबर 19 को लिख सकते हैं 9×10^0 + 1×10^1। अभी तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 10 में लिखा। 19 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम बोलेंगे 10011। तो ये 10011 का मतलब है 2^4×1 + 2^3×0 + 2^2×0 + 2^1×1 + 2^0×1। 23 को लिख सकते हैं 10111। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो 2^2 को हमने पहले 0 से मल्टीप्लाई किया था, अब उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 2^2 यानी 4 और जुड़ गए। तो इस कार्ड सॉर्टिंग में भी हमने ये बाइनरी नंबर सिस्टम या कह सकते हैं कि बेस 2 का यूज किया है। आप देखेंगे कि हमने हर कार्ड पर एक बाइनरी नंबर लिखा है, पहले पर 0, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2 और आखिरी पर 15। हमारे मैसेज के चौथे कार्ड पी पर हमने 3 लिखा है। जहाँ 0 है वहाँ हमने होल कर दिया है और जहाँ 1 है वहाँ हमने यू काटा है। आप देख सकेंगे कि ऐसे ही हमने हर कार्ड पे बाइनरी में उसे कन्वर्ट करके होल और यू काटा है। पर आखिर ये डंडी से मैसेज आ कैसे जा रहा है, इसके क्या गणित है? तो समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण ले लेते हैं जिसमें हमारे पास बस 2 ही कार्ड है, एक पर 0 लिखा है और एक पर 1। तो हम अपनी डंडी कार्ड्स में डालेंगे और जिस पे 0 है वो हमारी डंडी में अटक जाएगा वो कार्ड और उसे उठाकर बस आगे ले आएंगे। तो इस तरह से ये दोनों कार्ड तो सॉर्ट हो गए 0 के पीछे 1। पर ऐसा हुआ क्यों? डंडी को पहले होल में डालने से जिस संख्या के आखिरी अक्षर 0 था वो आगे आ गए और जिस संख्या का आखिरी अक्षर 1 था वो पीछे रह गए। अब आगे चलते हैं जिसमें इससे थोड़ा सा मुश्किल उदाहरण, जिसमें हमारे पास 2 की जगह 4 कार्ड्स हैं। तो इन कार्ड्स को भी क्रम में लाने के लिए हम डंडी को पहले होल में डालेंगे, जो कार्ड अटक गए हैं उन्हें आगे ले आएंगे, फिर डंडी को दूसरे होल में डालेंगे और अब जो कार्ड अटक गए हैं उन्हें आगे ले आएंगे। तो इस तरह से हमारे ये कार्ड भी क्रम में आ गए हैं। अगर हम दूसरे स्थान के 0 देखें तो उसके सामने वाले पहले स्थान के 0 और 1 क्रम में हैं। ऐसे ही हम दूसरे स्थान का 1 देखें तो उसके सामने वाले 0 और 1 क्रम में हैं। तो इसीलिए दूसरे स्थान के सारे 0 को 1 से आगे लेके आया जाए तो सारी संख्याएं क्रम में हो जाएंगी। तो ऐसे ही अगर हम 8 की केस में ले तो पहले होल से, दूसरे होल से और तीसरे होल से करने के बाद हमारी संख्याएं हमें क्रम में मिल जाती हैं।
तो जब ये हमने तीसरे स्थान पर किया तो यह काम इसलिए किया क्योंकि तीसरे स्थान के जीरो के सामने वाली सारी संख्याएं पहले से क्रम में थी, ऐसे ही तीसरे स्थान के वन के लिए पहले से क्रम में थे। तो हम बस तीसरे स्थान के जीरो को वन से आगे ले आए तो हमारी सारी संख्या क्रम में अपने आप जम गई। हमारे विश्व में हैप्पी दिवाली 2023 और ये दिया, इसमें 16 अक्षर थे, इसलिए हमने चार होल वाले कार्ड्स को यूज किया और अपने इस बाइनरी नंबर से सॉर्ट करने की तकनीक को भी यूज किया। तो हमने अपना कार्ड अपने हिसाब से सजाया है, आप भी अपना कार्ड सजाइए और उसकी फोटो लेकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर उन्हें शेयर कीजिए। हैप्पी दिवाली।